हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आज आपको वायुमंडल की संरचना का जो मैं ये कोर्स लेकर आया हूं आपके यूट्यूब के चैनल पर, यहां पर इसका भाग दो मैं आपको बताने वाला हूं। भाग एक में मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के घटक क्या हैं, तथा वायुमंडल को कितने आधारों पर विभाजित किया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि वायुमंडल का जो ताप के आधार पर विभाजन किया जाता है, तापमान के आधार पर विभाजन किया जाता है, वो कैसे किया जाता है। और इसको मैंने बहुत विस्तार पूर्वक बताया है कि क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इसका हम जो निर्धारण करते हैं अपने वायुमंडल में, इसका क्यों और कैसे करते हैं, किस मंडल में तापमान घटता है, किस मंडल में तापमान बढ़ता है तथा क्यों घटता बढ़ता है, ये सारी बातें मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाई है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसका पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी जाकर के आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। फिलहाल आज का ये जो टॉपिक है, चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हों, या आप अन्य किसी भी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो ये जो आपका टॉपिक है सब में समान रूप से बेनिफिशियल है, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, इस टॉपिक में हम आपको क्षोभ मंडल का गुणधर्म क्या होता है, मध्य मंडल का क्या होता है, मौसम कैसे बदलता है, वर्षा क्यों होती है, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, क्योंकि हमारी जो टीचिंग है वो कॉन्सेप्ट पे ही होगी दोस्तों। किस पे होगी? कॉन्सेप्ट पे होगी। कॉन्सेप्ट के सिवा हम आपको और कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, वर्तमान का जो एग्जाम का पैटर्न है आप उसे कर नहीं पाएंगे। वर्तमान समय में आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिद्धांत क्यों हुआ और कैसे हुआ। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि अभी हमारा जो मतलब इंडिया है, यहां पर मौसम मार्च के महीने में भी खराब हो रहा है, जैसे मैं अभी प्रयागराज में हूं, यहां पर बारिश हो रही है, जबकि आज की तारीख है 3 मार्च 2020। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है पश्चिमी विक्षोभ यहां पर आया है, जिसे आप जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो आपको यह जानना पड़ेगा कि जेट स्ट्रीम क्या होती है और ये कैसे कार्य करती है, क्यों प्रभावित करती है हमारे मौसम को, क्यों ठंडी के दिन में वर्षा प्रदान करती है, इत्यादि बातें आप जब तक नहीं जानेंगे। जेट स्ट्रीम के द्वारा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं, जेट स्ट्रीम से राष्ट्रीय तरंगे कैसे बनती हैं, जब तक आप पूरी बात नहीं जानेंगे, क्यों और कैसे नहीं जानेंगे, तब तक आप परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के कथन और कारक के क्वेश्चन, क्योंकि आजकल छोटे छोटे परीक्षाओं में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपको इसे नहीं आप कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप मान लीजिए कि आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। आपको लगेगा कि सुना सुनाया, हाँ यार मुझे तो कुछ लग रहा है, पता है ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, लेकिन आप करेंगे क्या? आप उसे गलत कर जाते हैं। गलत करने का कारण ये होता है कि आप उसकी आधी अधूरी जानकारी रखते हैं। अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम कभी दिया हो तो आप ये देखते होंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि मुझे तो यार ये आ तो रहा था, लेकिन इसमें जो दो तीन कथन दे दिया, उस सारे कथन का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। और जब कहेगा कथन एक सही है, दो सही है, दो और तीन दोनों सही है, तो ऐसी कंडीशन में आप गलती कर जाते हैं। और इसी गलती से बचने के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं, जिससे आप गलती ना करें। तो सबसे पहली शर्त यही है आपकी कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, कोई चीज क्यों और कैसे हो उसका प्रोसेस सीखें। प्रोसेस सीखने के बाद उसको जोड़ना सीखें आपस में। अगर आप उसे जोड़ नहीं पाएंगे तो भी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में अब लिखित हो गया है। अगर आपको लिखना नहीं आएगा, कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हमारे जो स्टूडेंट यहां ऑफलाइन पढ़ते हैं सक्षम आईएएस में, हम उनका जो हस्तलिखित नोट्स होता है उसको आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर और किसी माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ, जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आप कैसा लिखते हैं और हमारे जो छात्र हैं वो कैसा लिखते हैं। किसी भी प्रश्न को करने का जो मतलब तरीका होगा, सबसे सही तरीका होगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और उसमें वैरायटी भी दूंगा कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे किस प्रकार से लिखते हैं,
उसको पूरे विस्तार से बताऊंगा। और यदि आप भी प्रयागराज आ सकते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आपका स्वागत है, आप आइए। लेकिन मैं YouTube पर भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, कम से कम यूपीएससी में जो पूछे जाने वाले हॉट टॉपिक हैं, जो बार बार कोर टॉपिक है ज्योग्राफी का और तमाम चीजों का, उसे मैं आपको बताऊंगा और अपने पूरे अनुभव के साथ आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम वायुमंडल की संरचना का भाग दो शुरू करते हैं। इस भाग दो में हम आपको बताएंगे कि जो वायुमंडल की ताप के आधार पर परतें बनाई गई थी, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में आपको बहुत विस्तार से बताया था, पिछले वीडियो में, उसी से आगे शुरू करूंगा। दोस्तों आपने देखा था कि कल तापमान के आधार पर हम लोगों ने वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया था। कई छोटे एग्जाम में बस यही पूछ लेता है कि वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, तो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। अभी कौन कौन सी आप देख लीजिए, ये जो सबसे नीचे है, जो ये लकीर मैंने खींची है, इसको मैंने कल भी धरातल बोला था और आज भी धरातल बोल रहा हूं, मतलब ये आपकी धरातल है, पृथ्वी की क्रस्ट है। और इसी पर मैंने संख्या रेखा लिया था, इसको हम मान लेते हैं कि यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, क्योंकि तापमान हमें दर्शाना है ऊंचाई के अनुसार, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस इसे ले लेंगे और इसे वाई एक्सिस ले लेंगे, जिस पे हम हाइट ले लेंगे इस पर, और इस पर आपका आधार बना लेंगे। अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस है तो जाहिर सी बात है ये स्केल पर नहीं है दोस्तों, बस समझाने के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 20 डिग्री है तो यहां बीच में 0 डिग्री आएगा, जाहिर सी बात इधर घटेगा। इसके बाद हम यहां पर ले लेते हैं -61 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका हम प्रयोग करेंगे इसीलिए हम इसको यहां पर ले रहे हैं, और यहां पर -90 डिग्री सेल्सियस ले ले रहे हैं दोस्तों। इसके बाद इधर हम अगर ताप बढ़ाते हैं तो मान लीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला ये स्केल पे नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि धरातल से, ये जो लकीर धरातल का भी कार्य कर रही है, धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कहां तक, 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो हिस्सा है इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल कहते हैं। ये हमारा हो गया क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इस चीज को मैंने कल बहुत अच्छे से आपको बताई है, फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे आप जानिए, ट्रोपोस्फेयर। अब ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की जो विशेषता है वो क्या है, मौसम संबंधित, कैसी, मौसम संबंधित सभी घटनाएं, जिसमें मौसम में क्या होता है, मौसम में जैसे किसी स्थान पर वर्षा होना, उसके साथ साथ तापमान में परिवर्तन होना, आंधी आना, ऐसी जैसी जो घटनाएं होती हैं, ओले पड़ना, कोहरा आ जाना, ये जो चीजें होती है इसको हम मौसम कहते हैं एक प्रकार का। ये जो मौसम होता है क्षणिक होता है, 1-2 मिनट से लेकर के 1-2 दिन तक बना रहता है किसी स्थान पर, इसे हम मौसम कहते हैं। मतलब किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता तथा वहां की जो गतिक क्रियाएं हैं, जिसमें वायु या पवन चलती है, उसका जो कुछ मिनट से लेकर के कुछ दिनों तक का जो एक मौसमी संयोग होता है, एक मतलब स्थानीय संयोग होता है, उसी को हम मौसम कहते हैं। मतलब छोटे स्केल पर, जैसे आज हम कहते हैं आज वर्षा का दिन है, मतलब अगर वर्षा हुआ तो वर्षा का दिन है, अगर आंधी आ गई तो हम कहते हैं आज आंधी जैसा मौसम था। तो मौसम का मतलब जो ताप दाब आर्द्रता है उसका जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों का जो एक स्थानीय प्रक्रम होता है उसी को हम मौसम कहते हैं। लेकिन अगर इसी मौसम को हम कुछ वर्षों तक ले लें, जैसे 50 वर्षों का औसत निकाल लें किसी स्थान का, और यहां पे पाते हैं कि यहां हमेशा वर्षा होती है, तो हम कहेंगे ये वर्षा वाली जलवायु है। अगर हम कहीं पर ऐसा पा लें कि यहां पर हमेशा गर्मी गर्मी रहती है, इसका मतलब ये उष्ण जलवायु है, गर्म जलवायु दोस्तों। तो इसके बारे में हम आगे आपसे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि मौसम संबंधित सभी घटनाएं कहां पर घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, कंफर्म हो गया। क्षोभ मंडल की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, जीवन के लिए अनुकूल जो भी दशाएं इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो हमारे इसी क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। हमारी जो जीवनदायिनी गैसें हैं जिसमें ऑक्सीजन है वो भी इसी मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ जो धूल कण होता है, क्या होता है दोस्तों, घटक में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे धूल कण होते हैं वो भी इसी क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। धूल कण के कारण ही संघनन की क्रिया हो पाती है और संघनन होने से ही आपको वर्षा मिलता है, वर्षण होता है, चाहे वो बूंदों के रूप में हो, चाहे ओले के रूप में हो, बर्फबारी हो, या
धूम्र कोहरा हो, कुछ भी हो, जितना भी आप प्रकार देखते हैं वर्षण का, वो इसी मौसम इसी क्षोभ मंडल से होता है और धूल कणों के कारण होता है। और धूल कण धरातल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, उससे अधिक ऊंचाई पर नहीं पाए जाते दोस्तों। इसके बाद इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखिए मैंने बता दिया, थोड़ा मैं मिटाऊंगा क्योंकि और बात इसमें बतानी है। क्षोभ मंडल की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़ते हैं, वैसे औसत रूप से टेम्परेचर पृथ्वी का होता है 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो हमने यहां 20 मान लिया है, किसी स्थान को ले लीजिए आप, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है तो अगर आप ऊपर बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो ऊपर बढ़ने पर आपका जो तापमान होता है लगातार घटता है और घट करके यहां पर -59 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जो तापमान है क्षोभ मंडल में घटता है ऊंचाई बढ़ने पर, वो किस दर से बढ़ता है घटता है इसको जान लीजिए। कि क्षोभ मंडल में आपको मैंने कल बताया था कि अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ऊपर, कितना जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप ऊपर जाते रहते हैं, तो आपका जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या होता है घटता जाता है दोस्तों। कितने डिग्री सेल्सियस से? 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है, जिसे हम सामान्य, जिसे हम कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। क्या कहते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर। कई बार परीक्षा में यही पूछ लेता है कि सामान्य ताप ह्रास दर क्या होती है। दोस्तों अभी आपको एक छोटा सा नियम मिला है सामान्य ताप ह्रास दर का, आप यही नोट कर लीजिए, आगे जो मैं बताऊंगा और पढ़ाऊंगा आपको। जितने भी प्रकार के बादल बनते हैं, जो भी वर्षा होती है, जैसे आप कहते हैं पर्वतीय वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, ये सारे वर्षण का प्रकार ये नियम आपको क्या कर देगा, बताएगा, बशर्ते थोड़ा सा उसमें कुछ और ऐड करना हो, जो कि बहुत आसान होगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ना तो आपको बादल के लिए परेशान होना पड़ेगा, ना चक्रवात के लिए परेशान होना पड़ेगा, ना संवहनी वर्षा के लिए परेशान होना पड़ेगा, ना किसी स्थान विशेष की जलवायु के लिए परेशान होना पड़ेगा। बहुत आसानी से चुटकी बजाते आप सॉल्व न कर लीजिएगा तो आप कहिएगा। तो चलिए धीरे धीरे हम समझेंगे, लेकिन इस नियम को जानते रहिए कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर क्षोभ मंडल में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। अगर इसी को थोड़ा हम यहां पे बड़े स्केल पर ले रहे हैं तो प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितने पे दोस्तों, अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएं, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो -6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या होता है घटता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से यह आपका टेम्परेचर घटता है। मतलब अगर आप धरातल से प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं क्षोभ मंडल में, तो आपका जो टेम्परेचर होता है -6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। किसी किसी विद्वान ने इसको 6.4 भी बोला है, क्योंकि दशमलव में आता है तो ज्यादातर लोग इसे 6.5 ही लेते हैं। अगर एग्जाम में जैसे टीजीटी पीजीटी वाले जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, तो फिलहाल आप 6.5 इसे मानेंगे, ज्यादातर विद्वान इसी को सही मानते हैं। तो अब आपको सामान्य ताप ह्रास दर की दो बातें मैंने बता दी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो प्योज करके थोड़ी देर के लिए इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं मिटाऊंगा तभी तो आगे पढ़ाऊंगा इस पे। तो ठीक है, अब आप क्षोभ मंडल की ज्यादातर विशेषता समझ गए, मतलब क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटित होंगी, ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होगा घटेगा, और जो क्षोभ सीमा है जहां पर यह आपका क्षोभ मंडल खत्म होता है इसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा के बाद जो अगला भाग आएगा, यहां पर जो हमारा तापमान है ये बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों? बढ़ने लगता है, और बढ़ करके ये लगभग ये 12 किलोमीटर ऊंचाई तक था। कितना था क्षोभ मंडल? आपका जो क्षोभ मंडल था, हमने आपको बताया कि कितने किलोमीटर ऊंचाई तक है, 12 किलोमीटर ऊंचाई तक है, कहीं कहीं पर 18 भी होता है, 12 होता है। अब इसको भी मैं फिगर बना के बताऊंगा कि उसकी ऊंचाई डिस्टर्ब क्यों होती है। फिलहाल पहले इसको समझिए, अगर ये 12 किलोमीटर था तो ऊपर वाला जो होता है ये होता है 50 किलोमीटर। कितना होता दोस्तों? 50 किलोमीटर। तो अब आप देखिए इस 12 किलोमीटर के बाद और ऊंचाई पर जाने पर जो हमारा तापमान घट रहा था, अब इसमें बढ़ने लगता है, बढ़ करके 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है, अगर यहां 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहां तक घटोत्तरी हुई, यहां पर बढ़ोत्तरी हुई, इसका मतलब यहां एक दूसरी परत है गैसों की, और यहां पर क्या दूसरी परत है। ये जो दूसरी परत है आपके वायुमंडल की, इसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों?
समताप मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। और जो इसकी ऊपरी सीमा है जहां समाप्त होता है, इस मैंने कल बताया है कि जो मंडल जहां समाप्त होगा उसकी सीमा कहलाती है, इसीलिए इसका नाम होगा समताप सीमा। क्या होगा? इसका नाम होगा समताप सीमा, कन्फर्म। अब आप देखिए ये जो समताप मंडल है, आप ये मत समझिएगा कि यहां ताप समान होता है। सबसे बड़ी भूल आप यही कर देते हैं, अभी कई सारी परीक्षाओं में यही पूछ लिया है कि किस समताप मंडल में तापमान घटता है कि स्थिर रहता है कि बढ़ता है। तो ज्यादातर लड़के उसका अर्थ समझ करके कि समताप है मतलब समान ताप होगा, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, एग्जामिनर यहीं पर आपके साथ खिलवाड़ करता है। जो आपकी कमजोरी होती है, जो कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, इसी वजह से आप गलत करते हैं। तो यहां पर तापमान समान नहीं रहता है, बस ये नाम पहले के समय से रख दिया गया है और आज तक जारी है। तो यहां पर टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। अब इसका जो गुणधर्म है दोस्तों, ये जान लीजिए, ये जो समताप मंडल है इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि यहां पर 20 किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच, कितने 20 से 35 के बीच में यहां पर एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं दोस्तों? ओजोन। जो हमारी ओजोन गैस है ये 20 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और ये जो ओजोन परत है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल के किस भाग में या किस परत में ओजोन पाई जाती है, तो आप बताएंगे समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। कहां पर कितने के बीच में सबसे अधिक पाई जाती है, तो आप बताएंगे 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाती है। ये जो ओजोन परत होती है आपके पृथ्वी के चारों ओर, ये सूर्य से आने वाली जो पैरावैगनी किरणें हैं दोस्तों, कौन सी किरणें? पैरावैगनी जो किरणें आती हैं सूर्य की, अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं, उससे पृथ्वी की रक्षा करती हैं। और इस रक्षा का परिणाम यह होता है कि आपकी जो पृथ्वी है वो इन हानिकारक किरणों से बच जाती है। अगर ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो हमारी स्किन जल जाएगी, हमको कैंसर हो जाएगा, तमाम जो पौधे हैं जीव जंतु हैं वो झुलस जाएंगे, मर जाएंगे। अर्थात ये जीवन दायिनी क्या है? ओजोन परत है। अगर आपको किसी ईश्वर की पूजा करनी है तो ये भी एक ईश्वर ही है आपके लिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपको आगे एनवायरमेंट में हम बताएंगे कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र बन गया था, जो कि वर्तमान में अब छोटा हो चुका है, क्योंकि जो सीएफसी गैस होती है, नाम आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके लिए बहुत ही हानिकारक थी, जिसका आप लोग एयर कंडीशन में प्रयोग करते थे। जो आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो इसकी प्रॉब्लम समझेंगे। इस पर बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है, 16 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चन यहीं से बनाता है, क्वेश्चन कहीं आसमान से नहीं टपकते। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कहीं और से आ रहा, तो गलतफहमी है आपकी, आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है, आप जानकारी नहीं रखते, इसलिए आप गलतियां करते हैं। कभी परीक्षा कठिन नहीं होती है, कठिन इसलिए होती है क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। अगर ये चीज आप कर ले जाएंगे तो यकीन मानिए आपको कोई हरा नहीं पाएगा किसी भी एग्जाम में। यूपीएससी तो आपके लिए बहुत बहुत आसान होने वाली है दोस्तों। दूसरी बात इस समताप मंडल की जो है, समताप मंडल के निचले हिस्से में, किस हिस्से में? समताप मंडल के निचले हिस्से में दोस्तों यहां पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। क्या उड़ाए जाते हैं? जेट विमान जो होते हैं, एरोप्लेन है, वो यहां उड़ाए जाते हैं समताप मंडल के निचले हिस्से में। क्यों उड़ाए जाते हैं? तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं समताप मंडल में उड़ाया जाता है, ये है वो है, नहीं जानते। मैं आपको बताऊंगा कि ये यहां पर विमान क्यों उड़ाया जाता है। इसके लिए आप जो सिंपली जो बुकों में लिखा रहता है आप जितना जानते हैं, आप कहते हैं यहां पर क्षैतिज पौने चलती है। कैसी पौन चलती है? क्षैतिज पौन चलती है। इसीलिए जो हमारा एरोप्लेन का पायलट होता है, समताप मंडल के निचले हिस्से में एरोप्लेन उड़ाना पसंद करता है, क्योंकि यहां पर वायु धाराओं से उसकी रक्षा हो जाती है, अर्थात वायु धारा उसे प्रभावित नहीं करती है। उस अवरोध से बचने के लिए, मौसमी विक्षोभ से बचने के लिए, क्योंकि यहां पर मौसम में बहुत सारा परिवर्तन होता रहता, आधी वर्षा तूफान, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, उसी से बचने के लिए जो हमारा पायलट होता है वो क्या करता है? समताप मंडल के निचले हिस्से में ऐसा करता है। ऐसा क्यों करता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि अभी अगर आप इस साल का पीसीएस मेंस का, यूपी पीसीएस मेंस का पेपर देखे हूं, या 2017 का या 18 का आईएस मेंस का, जीएस का पेपर देखे हूं, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा है बार बार कि वायुमंडलीय परिसंचरण का त्रिकोष की
क्या सिस्टम क्या होता है। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आगे चल के जब मैं प्रश्न का सोल्यूशन दूंगा तो आपको बताऊंगा। ये मैंने पृथ्वी बनाई है लेकिन इसको थोड़ा सा लिटा दिया है। इधर हमने कर दिया है, इधर हमने कर दिया उत्तरी ध्रुव, इधर कर दिया हमने दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, और हमारा जो भूमध्य रेखा है वो कहां पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा, आगे हम बताएंगे ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि यहां पर एरोप्लेन क्यों उड़ाए जाते हैं। यहां पर 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री जो आपका साउथ है और ये जो आपका 30 डिग्री नॉर्थ है, यहां पर वायु की एक कोशिका बनती है इस प्रकार से और ऐसे बन के चलती है, लूप बनता है। ये जो वायु कोशिका बनती है इसको हम लोग कहते हैं हेडली कोशिका दोस्तों। क्या कहते हैं,